छेड़छाड़ की घटनाओं के चलते एक के बाद एक दो शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई है। बजरंगगढ़ स्कूल में पदस्थ व्यायाम शिक्षक केशव दुबे पर 12वीं क्लास की छात्राओं ने छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि केशव दुबे सर उन्हें गलत नियत से छूते हैं और चोरी छिपे उन पर गंदी नजर भी रखते हैं। छात्राओं की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखकर केशव दुबे को निलंबित करने की मांग की है। वहीं छात्राओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने केशव दुबे के खिलाफ बजरंगगढ़ थाने में FIR दर्ज कराते हुए गिरफ्तारी कराई है। गुना जिले में महिलाओं के लिए विशेष नवाचार एक योजना प्रारंभ किया गया है, FIR एट होम। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिनके साथ अपराध होता है वो सूचित करें, उनके घर पर जाकर FIR ली जाएगी, उनके कार्यस्थल पर जाकर FIR ली जाएगी। इसी के तहत एक सूचना प्राप्त हुई थी, गुना के पास एक कस्बे में नाबालिग बच्चियों के साथ एक शिक्षक ने, जो कि वहाँ व्यायाम शिक्षक है, उसने केशव दुबे नाम का वो व्यक्ति है, उसके द्वारा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत पढ़ाई के दौरान और व्यायाम के दौरान की गई। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर महिला अधिकारी को तुरंत वहाँ भेजा गया। महिला अधिकारी द्वारा बच्चियों के बयान लिए गए, उनकी सारी बातें सुनी गई और जीरो पर वहीं FIR दर्ज करके, उन्हें थाने नहीं बुलाया गया, जीरो पर वहीं FIR दर्ज करके और फिर मूल अपराध दर्ज किया गया। आरोपी केशव दुबे, जो कि व्यायाम शिक्षक है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार जो भी महिलाओं के प्रति इस प्रकार का अपराध करेंगे उनके विरुद्ध तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और FIR एट होम के तहत इस तरह से परेशान महिलाओं को, पीड़िताओं को उनके घर पर या कार्यस्थल पर ही रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बीते रोज मॉडल स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक प्रदीप सोलंकी पर छात्राओं ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब व्यायाम शिक्षक केशव दुबे पर भी आरोप लगे हैं। पूरा का पूरा शिक्षा विभाग कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि विभाग में पदस्थ कुछ लोग इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। बहरहाल पिछले 2 महीने के भीतर 4 शिक्षकों पर कार्यवाही हो चुकी है। शिक्षा विभाग पर दाग लग रहे हैं, जो फिलहाल साफ होते नहीं दिख रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। छेड़छाड़ की घटनाओं के चलते एक के बाद एक दो शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई है। बजरंगगढ़ स्कूल में पदस्थ व्यायाम शिक्षक केशव दुबे पर 12वीं क्लास की छात्राओं ने छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत करते हुए बताया कि केशव दुबे सर उन्हें गलत नियत से छूते हैं और चोरी छिपे उन पर गंदी नजर भी रखते हैं। छात्राओं की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखकर केशव दुबे को निलंबित करने की मांग की है। वहीं छात्राओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने केशव दुबे के खिलाफ बजरंगगढ़ थाने में FIR दर्ज कराते हुए गिरफ्तारी कराई है। गुना जिले में महिलाओं के लिए विशेष नवाचार एक योजना प्रारंभ किया गया है, FIR एट होम। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिनके साथ अपराध होता है वो सूचित करें, उनके घर पर जाकर FIR ली जाएगी, उनके कार्यस्थल पर जाकर FIR ली जाएगी। इसी के तहत एक सूचना प्राप्त हुई थी, गुना के पास एक कस्बे में नाबालिग बच्चियों के साथ एक शिक्षक ने, जो कि वहाँ व्यायाम शिक्षक है, उसने केशव दुबे नाम का वो व्यक्ति है, उसके द्वारा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत पढ़ाई के दौरान और व्यायाम के दौरान की गई। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर महिला अधिकारी को तुरंत वहाँ भेजा गया। महिला अधिकारी द्वारा बच्चियों के बयान लिए गए, उनकी सारी बातें सुनी गई और जीरो पर वहीं FIR दर्ज करके, उन्हें थाने नहीं बुलाया गया, जीरो पर वहीं FIR दर्ज करके और फिर मूल अपराध दर्ज किया गया। आरोपी केशव दुबे, जो कि व्यायाम शिक्षक है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार जो भी महिलाओं के प्रति इस प्रकार का अपराध करेंगे उनके विरुद्ध तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी और FIR एट होम के तहत इस तरह से परेशान महिलाओं को, पीड़िताओं को उनके घर पर या कार्यस्थल पर ही रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
बीते रोज मॉडल स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक प्रदीप सोलंकी पर छात्राओं ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब व्यायाम शिक्षक केशव दुबे पर भी आरोप लगे हैं। पूरा का पूरा शिक्षा विभाग कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि विभाग में पदस्थ कुछ लोग इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। बहरहाल पिछले 2 महीने के भीतर 4 शिक्षकों पर कार्यवाही हो चुकी है। शिक्षा विभाग पर दाग लग रहे हैं, जो फिलहाल साफ होते नहीं दिख रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।